काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और बिफोर आई रन यू, आप बताएं कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप ऑन बोर्ड आए, और वो भी दैट टू फ्रॉम टी सीरीज। एक्सपेक्टेशन तो था मुझे पहले से, बिकॉज एज गुरु इज अ वेरी पॉपुलर सिंगर एज वी ऑल नो, एंड टी सीरीज टुडे इट्स द बिगेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब। सो एंड ये गाना काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम गुरुज रेगुलर सॉन्ग्स। सो एंड ही इज ट्राइंग हिज डांस मूव्स हियर, एंड आई एम ऑल्सो डांसिंग द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग। एंड टी सीरीज के साथ मैंने पहले भी काफ़ी गाने किए हैं, फलक शबीर एंड और एक दो सिंगर के साथ, लेकिन लास्ट टाइम मेरे दो गाने रिलीज हुए थे, एक विनस से जो अमित मिश्रा और पलक मुच्छल के थे, और एक था दर्शन रावल के साथ, जिसके बाद आई गॉट इन टच विद टी सीरीज टीम एंड दे सेड दे वांट टू डू वन वीडियो विद मी। सो या दैट वे दैट जर्नी बिगिंस। ओके ज़ारा, जितनी आसानी से आपने कह दिया उतना आसान तो सब कुछ हुआ नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आइए प्लीज़ कम ऑन बोर्ड, आप टी सीरीज का तो ऑलरेडी काम कर रही थी, और जब आपको ये पता लगा कि गुरु यू नो इज अ पार्ट ही बी देयर इन द वीडियो, क्या रिएक्शन था आपका और क्या ब्रीफ था जब आपको सबसे पहले नरेट करा गया कि तेरी थे के बारे में? ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जुबिन नौटियाल के साथ कर रही थी गाना, सो लेकिन वो भी रोमांटिक जोन में था, तो मेरे जितने पास के गाने हैं वो भी सारे रोमांटिक जोन में हैं, तो मुझे कुछ डिफरेंस चाहिए था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट था टीसीएस टीम से कि अगर एक मुझे डांस प्लेटफॉर्म मिल जाए दैट वुड बी ग्रेट। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली गुरु का ये गाना प्लान हो रहा था तेरे थे, सो दे आस्क मी इफ आई एम कीन ऑन दैट रदर देन दैट वन रोमांटिक वन, देन आई सेड यस ऑफ कोर्स। So yeah, Guru Randhawa is a very hot property today. So yeah, it's a good opportunity for me, I believe. So that's why. Okay, कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले दिन काम करने का, शूट करने का, that too with Guru Randhawa, he himself is a legend himself, you know. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या रिटेक विटेक ज़्यादा हुए? कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत स्मूथली गया एंड सब कुछ, बिकॉज सारे एक्सपीरियंस लोग थे। इवन मेलविन लुइस द कोरियोग्राफर, ही सपोर्टेड अ लॉट, एंड जैसे हमारा कोई स्टेप जैसे यू नो टफ स्टेप या कुछ, तो ही इंस्टेंटली चेंज दैट इनटू समथिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन यू नो ग्रैब आराम से। एंड गुरु एज अ पर्सन, यस ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी डाउन टू अर्थ, एंड एज अ को स्टार ही इज वेरी गुड एंड कोऑपरेटिव, सो वी डोंट जानबूझ के लिया है हमेशा कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए ऐसा मैं सोचती हूँ। तो यस, इनिशियली तो थोड़ा सा मैं नर्वस थी कि मेलविन कर रहा है, तो मेलविन के डांस स्टेप्स बहुत खतरनाक होते हैं, बट जैसे हमने शुरू किया देन यस वी वेंट टू द फ्लो एंड वी स्टार्टेड डांसिंग, सो आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ दैट रिहर्सल्स वी हैड डन। एंड हमारे पास काफ़ी टाइम कम था, वी हैड ओनली टू डेज टू रिहर्स, एंड इन टू डेज वी हैड टू डू ऑल द लाइक यू नो स्लॉट्स ऑफ द सॉन्ग्स, एंड बट इट वेंट वेल। ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, कहीं आपको लगा था व्हाइल वर्किंग ऑन द एल्बम कि आप ओवरशैडो हो जाएंगे गुरु रंधावा से? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मुझे फील नहीं हुआ। इनिशियली जब मुझे प्रपोजल आया था तो थोड़ा सा ऐसा था मेरे माइंड में, बट जैसे हमने काम करना शुरू किया तो मुझे नहीं लगा कि कहीं पे भी, क्योंकि वहाँ पे इक्का का भी पार्ट है और गाना बहुत ही गर्ल फोकस्ड है, तो गाना ही जब गर्ल फोकस्ड है तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन था कि हाँ थ्रू आउट द सॉन्ग आई वुड बी देयर, एंड या इट वाज लाइक दैट, इट वाज लाइक इट वाज डिवाइडेड इन लाइक वी ऑल वेर देयर इक्वली, लाइक गुरु इवन इक्का ही हैज अ पार्ट, गुरु हैज अ पार्ट, आई हैव अ पार्ट, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक यू नो नाइसली प्लेस्ड। तो आप मानती, आप ये मानती हैं कि आप ओवरशैडो नहीं हुई? नॉट एट ऑल, इवन मैं बोलूंगी कि मैं ज्यादा ही थी।
ओके, इसकी खास एक बात और भी रही है कि भूषण जी के बर्थडे पे इसको लॉन्च किया गया, फ्रॉम अ रॉन्ग, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, हाउ ट्रू इट इज, एंड और वो कैसे डिसाइड करा गया कि आज भूषण जी का बर्थडे है, यू नो वो तो टी सीरीज के करता धरता है, और कैसे डिसाइड करा गया कि उनके बर्थडे के दिन इसको, ये आई थिंक कोइंसिडेंटली हो गया शायद, एंड यस ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट डे फॉर टी सीरीज टीम, एंड कहीं आप अपनी तैयारी तो नहीं कर रही हैं, you know, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत आपके बारे में पता है कि बॉलीवुड में जाना है और फिल्में करनी है, बड़ा बड़े पर्दे पे काम करना है, ये क्या है शुरुआत समझ लें जरा, यू नो डूइंग अ वार्म अप सेशन की, डांस भी सीख लें और इसी बहाने एल्बम का भी हिस्सा रहें, गुरु रंधावा जब भी काम कर लें, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड, वेरी ट्रू, आई स्टार्टेड माय करियर इन 2010 इन मॉडलिंग, तो ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज ओनली आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन इन बीटेक इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एंड दैट टाइम ओनली आई वाज डूइंग मॉडलिंग प्रोफेशनली, and I was a full-fledged model in Delhi, and I had done almost like many brands, prints and TV commercials. So when I settled down in Mumbai, I didn't actually focus to that part, modeling, because I had already done a lot of that projects. So my only focus was to groom myself as an actor, and that's what I'm doing, and I'm always more you know, excited about if somebody is offering me something in acting platform where I can show my talent. Yeah, that would be more preferable for me today. Far. Okay, और क्या हो रहा है? किन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? Apart from this, what next? Yes, I might do a Tamil film first, and after that there are two films in pipelines. I think which will go on floor next year. So far, so once. अनुराग कश्यप किसके साथ काम करना चाहिए? मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहा है कहीं ना कहीं रोमांटिक एंड ऑल दैट गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप पोजीशन में देखती हूँ खुद को, सो आई थिंक इम्तियाज अली। ओके, वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग वेब सीरीज जिस तरह से सीक्रेट गेम्स और इस तरह जो आज जो जितना बदलाव आया है डिजिटल सिनेमा में और जिस तरह की क्रांति आई है, मैं कहूँगा क्या वेब सीरीज वगैरह का हिस्सा बनना चाहेंगी जहाँ न्यूडिटी हो? आई डोंट थिंक सो, बट यस अगर acting platform or proper in web series, which I'm already looking for a good topic, then definitely web series I'm on for. Have you seen Secret Games? Yeah, I have watched. Do you know, have you seen the Cuckoo kirdar, Cuckoo character played by the actress? Yes, she is. Do you find it vulgar? Not really. They have shown it nicely, in a nice way. And it was a demand of that character. Secondly, as long as the actor is comfortable with that role and she is doing well, I mean, she was, I think her name is Cobra. Cobra. Yeah, I know. She's a very fab actor. She did it well. Given a choice, if the same character is offered to you, would you be interested doing it? Because the script demand, the story demand, or you will be as popular as Cobra said is right now? Very honestly, I don't see myself in that type of character. It's my choice. I mean, like, it's my opinion. I don't see myself in that type of character. But yes, in future, like, if that's a very important part of the film or any project, then let's see how it goes. Thank you so much.